हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। कल ऑफिशियली निसान कंपनी ने अपनी निसान मैग्नाइट की ऑफिशियल वीडियो हमारे साथ शेयर की है, जिसमें सारी डिटेल्स कवर कर दी गई हैं। हालांकि अभी भी ये थोड़ा सा कवर्ड है, कह सकते हैं कैमोफ्लॉज नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली टेपिंग उसके ऊपर की गई है ताकि एग्जैक्ट डिटेल्स सामने ना आए, डिज़ाइन डिटेल्स। लेकिन कॉन्सेप्ट और जो प्रोडक्शन मॉडल है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, विच इज़ वाई आई एम गोइंग टू गिव 100 मार्क्स टू निसान इस चीज़ को लेकर। बहुत कम होता है जब कॉन्सेप्ट मॉडल और प्रोडक्शन मॉडल बिल्कुल सेम होते हैं, और इस बार वैसा ही हुआ है। अलॉय व्हील्स लुक अमेजिंग, लाइट्स लुक्स अमेजिंग, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब सिर्फ डिज़ाइन ही सब कुछ नहीं होता, इंजन ऑप्शंस वगैरह के साथ साथ कुछ और डिटेल्स हैं जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। वीडियो साथ साथ चलती रहेगी, दोनों कॉन्सेप्ट एंड आपके लिए प्रोडक्शन वाली, तो उसे भी इंजॉय करें। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले 21 अक्टूबर को हमारे को एक्सपेक्टेशंस हैं पूरी कि इस गाड़ी को दिखा दिया जाएगा। कितने दिन रह गए? 10 दिन रह गए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहेंगे तो दिन वो क्लोज आते रहेंगे। डेफिनेटली 21 अक्टूबर को ये गाड़ी हमें दिखा दी जाएगी, जिसमें मैक्सिमम डिटेल्स हमें पता लगेंगी एंड लॉन्च भी जल्दी हो जाएगा। विद इन दिस ईयर आई थिंक इस गाड़ी को कम्प्लीटली लॉन्च भी कर दिया जाएगा विद प्राइस रिवील एज वेल, बाकी देखते हैं। लेकिन अच्छी बात ये पता है क्या है निसान इस मैग्नाइट के बारे में, कि कंपनी इसको लेके काफ़ी सीरियस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही निसान का इंडिया में फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। एंड प्लीज़ निसान, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी मार्केटिंग पे अच्छा खासा पैसा लगाना, पूरे स्ट्रेटजी के साथ इसको मार्केट करना, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया कैपेबल प्रोडक्ट है। एंड आई बिलीव सारे मीडिया या सारे जर्नलिस्ट जो भी हैं ऑटोमोबाइल में, मैं हूँ, अच्छे से इस गाड़ी को कवर करना चाहेंगे। सो डोंट यू वरी, निसान का भी फ्यूचर है। गाड़ी बहुत बढ़िया है। गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1 लीटर का नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन। 72 PS की पावर जनरेट करेगा इसका नेचुरल रेस्पिरेटेड, जो कि अभी रेनो ट्राइबर में आता है एंड रेनो काइगर में भी आने वाला है। रही बात इसके टर्बो इंजन की, वो भी काइगर और ट्राइबर में आने वाला है, विच इज़ द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 100 PS की पावर विद 160 और 170 Nm ऑफ टॉर्क, विच इज़ अ रियली केपेबल इंजन एंड उसकी प्राइसिंग बढ़िया होने वाली है फॉर श्योर। अब प्राइसिंग में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो चलो कंपनी है, सेकेंड इंजन, और थर्ड होते हैं फीचर्स। फीचर्स के हिसाब से क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड टेक, सनरूफ वी आर नॉट श्योर, और मेरे को लग रहा है नहीं आएगी, बिकॉज ये जो टेस्टेड वीडियो आई है इसमें सनरूफ नहीं है, बट इट्स परफेक्टली फाइन। सनरूफ नहीं भी हुई तब भी एक बहुत ही बढ़िया केपेबल व्हीकल है। सनरूफ इंडिया में रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक शौक का फीचर है। एंड चलो आ भी गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो कॉस्ट कटिंग कह लो, और कम प्राइस में आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी फॉर श्योर। तो फीचर्स में बता रहा था, 360 डिग्री कैमराज आपको मिलेंगे, आपको रेयर एसी वेंट्स वगैरह मिलेंगे। इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, कॉन्सेप्ट का इंटीरियर दिखाया, तो प्रोडक्शन भी सिमिलर होगा। पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, और आपको रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप भी शायद, इट्स दिस इज़ अ र्यूमर, देखते हैं क्या बनता है। एंड आपको हर तरह के फैंसी फीचर्स मिलेंगे, हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स, बोस के स्पीकर्स, ये सब आपको नहीं मिलेगा। बट वही बात आई थी, प्राइस काफ़ी कम होगी। आप बार बार मैं प्राइस कह रहा हूँ तो प्राइस की बात कर लेते हैं। 5.25 लाख शोरूम से इसकी प्राइस शुरू होने वाली है। टॉप मॉडल 9.9 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। दिस विल डेफिनेटली हैव मोर देन 2 एयरबैग्स ऑन द टॉप मॉडल, 4 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, 6 ऑल्सो आर एक्सपेक्टेड। देन अगर मैं आपसे बात करूँ अच्छी चीज़ों के बारे में, जो इस वीडियो में ज़्यादा पता लगती हैं, या फोटो में हमारे पास एक आई थी रियल में अभी, उससे ब्लू कलर वाली, वो भी दिखा देता हूँ आपको, जिसमें आपको रियर में एडजस्टेबल हेड रेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बूट स्पेस आप, मतलब बूट का जो लिड है वो तो काफ़ी बड़ा, आई थिंक बूट स्पेस भी अच्छी खासी होगी। सब 4 मीटर में बूट स्पेस वी आर एक्सपेक्टिंग 300 के आसपास इसकी हो जानी चाहिए, लेट्स सी क्या बनता है। अगर बूट स्पेस 300, 10, 20 भी होगी ना तो बहुत बढ़िया, बिकॉज रियर स्पेस आपको फिर अच्छी मिल जाएगी। ज़्यादा बूट स्पेस करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। अब सोनेट में देख लो, 392 लीटर्स की बूट स्पेस है, लेकिन आगे स्पेस कम हो जाती है ना, सो तुम नो पॉइंट 320-330 भी दे दो तो आई थिंक बहुत होगी। अब बात करते हैं इसके और चीज़ों के बारे में। वीडियो में हाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात की, डेफिनेटली 200 mm के आसपास नज़र आ रही है। एंड टायर्स के अकॉर्डिंगली 16 इंचज के अलॉयज हैं, तो आप डेफिनेटली जज कर सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अब 209 mm पे टाटा नेक्सॉन आती है, तो उसकी फोटो यहाँ लगा देता हूँ। आप टायर के सेंटर से देखो, मतलब वैसे तो सस्पेंशन का फ़र्क भी आएगा, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक इलस्ट्रेशन के तौर पर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। दोनों गाड़ियों को देखो, ग्राउंड क्लियरेंस इजीली 200 के आसपास है, एंड कंपनी भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्पेशली बता रही है, तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। रही बात इसके पावरफुल इंजन की, जैसे कंपनी बात कर रही है तो मैंने बताया आपको इंजन, और अच्छी बात यह है कि इसमें CVT ऑप्शन भी आने वाली है विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, तो सिटी कम्यूट्स वगैरह के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। CVT काफ़ी रिलायबल एक वेरिएंट और कह सकते हैं ट्रांसमिशन है, स्पेशली फ्रॉम निसान जापान की तरफ से। जापान की तरफ से अगर इस तरह की ट्रांसमिशन आती है तो सबको डेफिनेटली वो अच्छी लगेगी ही। जो निसान किक्स है उसमें CVT काफ़ी अच्छा बढ़िया है,
तो ये था मैग्नाइट के बारे में मेजर मेजर डिटेल्स। 21 को काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्राइव रिव्यू वगैरह भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएंगे। एंड गाड़ी अमेजिंग है, नो डाउट अमेजिंग है। मैं काफ़ी अपने लिए मतलब एक तरह से कह लो वेट कर रहा हूँ, अगर गाड़ी कैपेबल हुई तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैं भी परचेज़ कर लूँ। अब आप बताएं आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। मेजरली आपको बताना था 21 अगस्त, साथ में हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन ऑप्शंस के बारे में और डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में भी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अनटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।